नेपाल के जनकपुर से दो बड़ी शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी है। अयोध्या पहुंचने पर इन शिलाओं को यहां पर उनकी पूजा की जा रही है और पूजा के बाद शिलाओं को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। इन शिलाओं से राम मंदिर के लिए राम और सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। एक शिला का वजन बताया जा रहा है 26 टन है, जबकि दूसरी का वजन 14 टन है। ये शिलाएं बिहार के रास्ते अयोध्या पहुंची हैं। रास्ते भर इन शिलाओं की श्रद्धालु पूजा करते रहे। इन शिलाओं को 6 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी आलोक पांडे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आलोक, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त अयोध्या में चल रही हैं? शिला का चुनाव किस तरह से किया गया है बताएं। और साथ ही मैं खुद अभी हाल ही में अयोध्या से लौटी हूं, आपसे जानना चाह रहे हैं, आप जबकि पूरी तैयारियां चल रही है और सरकार का लक्ष्य 1 जनवरी की तारीख 2024 की दी हुई है राम मंदिर की, माना जाए अयोध्या में लोगों का भी कुछ विकास होगा, रोजगार या कुछ और साधन लोगों के सामने आएंगे इसके माध्यम से? जी देखिए, पहले मैं जो हो रहा है उसके बारे में बात कर लेता हूं। ये जो दो पत्थर हैं या रॉक्स हैं या शिलाएं हैं, ये नेपाल से आई है। नेपाल में एक जगह है जो बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है, और ये जो पत्थर या शिलाएं हैं, इनको इनकार्नेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की प्रीतियां इनको माना जाता है, अगर ये सही हिंदी का प्रयोग है तो। और ये वहां से कंटेनर से लाए गए हैं और ये अयोध्या कल पहुंचे थे, लेकिन आज इनकी पूजा हुई है और अभी राम जन्मभूमि या राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाएंगी, जो मंदिर बना रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो बड़ा वाला पत्थर है उससे राम लल्ला का जो आइडल है, जो मूर्ति है, उसको कार्व किया जाएगा। तो एक और पड़ाव है राम मंदिर के निर्माण में। आपने कहा कि 1 जनवरी की डेट है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, 1 जनवरी इनऑस्पिशियस पीरियड में आता है, तो जनवरी की डेट जरूर है, जनवरी का जो महीना है जिसमें कभी ना कभी खोल दिया जाएगा, और ये एक और पड़ाव पार हो रहा है। लेकिन जो आपने दूसरा रिएक्शन या जो दूसरा सवाल आपने पूछा, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, और उस पर शायद हम लोग इतना फोकस नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज जो अयोध्या में हुई है पिछले कुछ दिनों में, वो ये है कि रोड चौड़ी की जा रही है बहुत सारी, और उसके लिए जो व्यवसाय है वो भी थोड़े नष्ट हुए हैं। लेकिन लोगों का यही कहना है कि अगर फेयर कॉम्पेंसेशन मिलता है तो वो तैयार है इस चीज के लिए, क्योंकि अयोध्या में अगर रोड चौड़ी होती है या अगर रास्ते जो हैं वो थोड़े से और ऐसे किए जाते हैं कि लोग श्रद्धालु आ पाए, तो कहीं ना कहीं सबका फायदा होगा। तो फिलहाल यही सब कुछ चल रहा है, काफी एक्टिविटी हो रही है अयोध्या में, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात रहेगी। और जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इस पूरी स्टोरी का, वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है बहुत लोगों के लिए, मेरे, आपके, हमारे दर्शकों के लिए। ये जो मंदिर खुलेगा, ये जो लोकसभा चुनाव है उससे कुछ महीने पहले ही खुलेगा, और ये भी अपने आप में बीजेपी के लिए एक बहुत फायदेमंद चीज रहेगी, ऐसा उनके नेता ये सोचते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी ये सब कल्मिनेट कैसे होता है, लेकिन अभी चीजें ऑन ट्रैक हैं, और इसीलिए पत्थर नेपाल से या रॉक्स या शिलाएं पत्थर लाए गए हैं अयोध्या तक। जी आलोक, बहुत ही संक्षेप में ये भी बताएं, आपने बताया क्योंकि जनवरी में 2024 में ये मंदिर की बात यहाँ पर की जा रही है, सरकार ने की है, तो ये सिर्फ गर्भगृह का जो एक गर्भगृह का इलाका है, सिर्फ उसका एक इनॉग्रेशन या उसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि मंदिर निर्माण का तो बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, उसमें अभी वक्त लगेगा? जी, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल जो जो कार्यक्रम है या ट्रस्ट का जो प्लान है जी, वो ये है कि कम से कम जो ग्राउंड फ्लोर है जी, उसको पूरा बना दे और गर्भगृह को स्थापित कर दे, जिससे श्रद्धालु जो है वो आने लगे। जी, पॉलिटिकली भी ये नैरेटिव को सूट करता है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं अगर इलेक्शन से तुरंत पहले आएंगे और ऐसे भव्य मंदिर का दर्शन करेंगे, तो शायद उससे बीजेपी के लोग यही उम्मीद करते हैं कि उनको भी राजनीतिक लाभ मिले, क्योंकि उनका ये क्लेम है कि उन्हीं के कार्यकाल में या उनकी सरकारों में राम मंदिर के निर्माण को बढ़ावा मिला। तो फिलहाल प्लान यही है, जो ट्रस्ट ने भी कहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं आसपास वो भी कंप्लीट होंगे, इससे श्रद्धालु आराम से आ पाए, दर्शन करके वापस जाए।